आपको मैंने अक्सर बोलते हुए सुना है, जो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी बताएं, कि सुबह दोपहर और रात को किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, उसका एक क्रम होता है। सुबह को खूब खाएं, दोपहर को दूसरों को खिलाएं और रात को दुश्मनों को खिलाएं। शांति शांति शांति। अमृत जी की जय हो। सोनिया जी की जय हो। थैंक यू सो मच अमृत जी। बहुत 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 मजा आया, आपने मुझे जो क्रियाएं कराई, जो प्राणायाम कराया, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ आज हैं अमृत जी, जो चार जनरेशन से जो लोग आरोग्य धाम में अपने योगा और आयुर्वेदिक नॉलेज से हम सब लोगों की जिंदगियाँ बेहतर करते आ रहे हैं। आपके पिताजी डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपकी माताजी डॉक्टर नीलम अग्रवाल और आपके ब्रदर डॉक्टर अर्जुन राज जो हैं, वो तो डॉक्टर्स हैं ही आयुर्वेदा के, और आप जो हैं हमारे लिए और हमारे सबके सबसे फेवरेट हैं, खास करके मेरे और मेरे परिवार के लिए। जितने गुणी और जितना इनमें ज्ञान है, उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इनसे मिलकर सच में ऐसा लगता है कि देयर इज पॉजिटिविटी ऑल अराउंड एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो अमृत जी, क्योंकि आज आप बम्बई आए हैं, तो आज मेरा दिल है कि सिर्फ आपसे योगा ही ना सीखूं, बल्कि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब भी करूं। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम सभी लोग बड़े बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में ही क्यों, छोटे शहरों में भी अपनी जिंदगियों में बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस है, और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखने के लिए हम सब लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, और हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और स्ट्रेस से कई बीमारियां भी होती हैं जैसे हमारे डॉक्टर्स बताते हैं। तो आपके हिसाब से स्ट्रेस क्या है और इसे कैसे डील करना चाहिए? तो मैं बताना चाहूंगा, पातंजलि योग सूत्र में क्लेशस इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी, स्ट्रेस आजकल हर कोई कहता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस मोस्टली सेल्फ क्रिएटेड होता है। अच्छा। कोई बाहर से नहीं आता है। और क्लेशस इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस, यानी कि सबसे पहला कारण है अविद्या, और अविद्या का मतलब है रॉन्ग परसेप्शन। एक व्यक्ति चल रहा था, वो गिर गया, उसको हल्की चोट आई, उसने कहा थैंक गॉड मेरी हड्डी नहीं टूटी, हल्की चोट ही आई है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड रखना, और काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारा रूम है, रूम के साथ हमारा बाथरूम है, छोटी छोटी चीजों के लिए पॉजिटिव फील करना। तो अविद्या मुख्य कारण है स्ट्रेस का। सेकंड है अस्मिता। ई शुड गो, ई से तात्पर्य है, आई से इलनेस आती है। हम कहते हैं हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, कराने वाला, करने वाला, लेने वाला, सब कुछ वही कर रहा है। वी से वेलनेस आती है। इसी तरह से राग, अट्रैक्शन, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो नहीं मिलती, अगेन हम स्ट्रेस। द्वेष यानी कि हेट्रेड, जब हम किसी चीज को हेट करते हैं तो अगेन स्ट्रेस। इसी तरह से फियर, डिजीज हो गया, लेजीनेस, ये भी स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मुख्य रूप से हम अपने थॉट्स पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा स्माइल करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और पॉजिटिव थॉट्स को एंटरटेन। क्या बात है, आपने दो बहुत ही प्यारी बातें की कि हमें ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। जो छोटी छोटी चीजें हमारे पास नहीं है, वो तो हम हर बार दोहराते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हमको ग्रेटफुल रहना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि थॉट्स, अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर दें तो वही थॉट्स मैनिफेस्ट होकर एक्शंस बन जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही अमृत जी। लेकिन मैं आपको, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स हम अपनी जिंदगी में इनकल्केट कर सकते हैं, जो हमें ये रोजमर्रा की जद्दोजहद से जूझने के लिए शक्ति दे। Yes. तो क्या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप हमको बता सकते हैं, जो हम अपनी बिजी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि अमृत वेला। अगर हम सुबह जल्दी उठने की हैबिट करें,
डालने। हम सभी जानते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी। तो अगर आप 8 बजे उठते हैं तो कोशिश कीजिए 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे। तो जो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में उठते हैं, जैसे अभी हम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए आए हैं, लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स में, तो आप देखेंगे कि जितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके जीवन में चमत्कार। इफ वी स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, दैट कैन एड सो मच वैल्यू और मिरेकल होगा हमारी लाइफ। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है जिसमें यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, आर यू ब्रीदिंग फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल और द राइट नॉस्ट्रिल और बोथ नॉस्ट्रिल। इफ द थॉट्स आर कमिंग लेट देम कम एंड लेट गो। सो द पॉइंट ऑफ फोकस इज जस्ट द ब्रेथ, जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। इफ द थॉट्स आर कमिंग लेट देम कम एंड लेट देम गो। तो अगर हम मेडिटेशन करें और डाइट सात्विक डाइट लें, रास्तिक भी है तामसिक भी है, तो जैसा खाएं अन वैसा हो मन। इफ द नरिशमेंट इज प्योर द माइंड इज प्योर, इफ द माइंड इज प्योर द थॉट्स आर प्योर, थॉट्स आर प्योर एक्शंस, एक्शंस आर प्योर सेल्फ। तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड जी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, डाइट सात्विक रखें और मेडिटेशन करें और बड़ों का आशीर्वाद लें, ग्रेटिट्यूड रखें, आपके जीवन में चंदे फटे होंगे चमत्कार। देखा ये हमारे जो गुरु हैं, ये he is a very entertaining and youthful young guru, which is कि आपका जो संदेश है वो भी हमें हंसते खेलते मिल जाता है। तो आपने दो बातें कही कि एक तो डाइट और दूसरा मेडिटेशन। तो अगर हम डाइट के बारे में बात करें अमृत जी, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स आप हमें डाइट को लेकर दीजिए जिससे हमें फायदा हो। जैसे मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद यानी साइंस ऑफ लाइफ में किचन को ही फार्मेसी खाना है। आप अलसी खाएं, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड जी, आधा चम्मच सुबह शाम। एंड डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्रोमियम है, कोलोजी। पोस्ट कोविड जो शरीर में कमजोरी आ गई और मोटापा को कम करने के लिए जी, तो बहुत अच्छा है डाइट में आप कोलोजी लें। और इसी तरह आंवला खाएं, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, सहजन यानी कि मोरंगा का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रिज का ठंडा पानी ना लें, फ्रिज का ठंडा पानी ना लें, गर्म पानी लें या रूम टेम्परेचर लें। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तांबे की बोतल लें, मिट्टी के और या स्टील के बर्तन लें, चांदी के बर्तन लें, उसमें बैक्टीरिया और वायरस स्टे नहीं करता जी। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। डाइट का बहुत बड़ा रोल है मन में जी। आपको मैंने अक्सर बोलते हुए सुना है, जो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी बताएं कि सुबह दोपहर और रात को किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, उसका एक क्रम होता है। सुबह को खूब खाएं, दोपहर को दूसरों को खिलाएं और रात को दुश्मनों को खिलाएं। तो सुबह को खूब खाएं, दोपहर को दूसरों को खिलाएं और रात को दुश्मनों को खिलाएं। क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि अलसी और कलौंजी और प्लास्टिक को दूर रखें और जंक फूड से भी दूर रहें, फास्ट फूड से भी। जितने नूडल्स हैं, ये जितना जंक फूड फास्ट फूड है, मैदा वेरी स्लोली डाइजेस्ट होता है और कैंसर का भी मुख्य कारण जो है ये, मतलब जितना हम फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं। तो खुश रहना है, प्राण शक्ति को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है और बिग स्माइल, खुश होकर ब्रेकफास्ट करें, खुश होकर लंच करें, खुश होकर डिनर। क्या बात अमित जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ना ऐसी कुछ क्रियाएं, ऐसी कुछ ट्रिक्स बता दें जो हम जब छोटी छोटी जो हमें चीजें हो जाती हैं, जैसे कभी हेडेक हो गया, गैस हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो उसको हम कैसे बैठे बैठे कुछ छोटी छोटी मुद्राएं हैं। जैसे आप देखिए, ज्ञान मुद्रा है कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब वायु मुद्रा, ये कैसा भी दर्द हो आपके शरीर में उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। मिडिल फिंगर विद द थंब आप लगाएंगे आकाश मुद्रा, आई प्रॉब्लम और ईयर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। मिडिल फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब से लगाएंगे तो ये गम्स के लिए और बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से रिंग फिंगर विद द थंब, इसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, ये वेट बढ़ाने के लिए। तो रिंग फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, ये वेट घटाने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है तो वेट घटाने के लिए बहुत अच्छा है रिंग फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब। इसी तरह से लिटिल फिंगर विद द थंब आप लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड जल मुद्रा, चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, जल महाभूत के लिए। इसी तरह से मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर टू द थंब, ये जो है अपान मुद्रा, कैसे भी गैस हो, एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, लो मेटाबॉलिज्म हो, उसके लिए बहुत अच्छा। इसी तरह से प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टू द थंब, लास्ट की 2 फिंगर्स अगर आप लगाएंगे तो ये जो है प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से हम अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर टू द थंब, इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, तो ये हमारे हृदय मुद्रा, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हार्ट के लिए।
इसी तरह से साइनोसाइटिस गैस, लेफ्ट थंब अप रहेगा, राइट थंब नीचे रहेगा, तो ये भी जो मुद्रा है इससे आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। साइनोसाइटिस अस्थमा में बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी अगर मुद्रा है आप 20 मिनट करेंगे, 20 मिनट गाड़ी में, प्लेन में, पूजा करते हुए, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यूनिटी, इन सब चीजों में आपको फायदा। क्या बात है, तो आपने सारी ही एलिमेंट्स को आपने कवर कर दिया कि 20 मिनट अगर हम इन मुद्राओं को जहां कहीं भी हो हम उससे अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम छोटी छोटी चीजों से डील कर सकते हैं। वेरी नाइस अमृत जी, आपने ज्ञान की तो मुझसे बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा सुनकर, लेकिन एक मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाफ्टर एंड स्माइल? थैंक यू फॉर, एक्चुअली मुझे स्माइल अपने मम्मी पापा से मिला है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि खुश रहना भी एक आर्ट है, तो लकली कहीं कोई हर्ट हो जाते हैं तो फॉरगिव कर देते हैं, और हमसे कोई गलती होती है तो सॉरी, तो दोनों सिचुएशंस में स्माइल बची रहती है। तो एक प्रिस्क्रिप्शन दर्शकों को आपके माध्यम से देना चाहेंगे, 500 स्माइल्स इन 500 स्माइल्स अ डे, सो दैट्स व्हाट वी सजेस्ट एवरीवन। तो हमारे यहां से आरओ के नाम से कि आप स्माइल करें 500 स्माइल्स एक दिन में और हंसते रहे, फाइंड रीजंस टू स्माइल। क्या बात तो अमृत जी, आपने जैसे क्योंकि आरोग्य धाम के बारे में आपने बोल ही दिया, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं, मेरी खुद की जो माँ है वो आरोग्य धाम जा चुकी हैं आपके रिट्रीट में, और मैं बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ आने वाली हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल आपका आरोग्य धाम रिट्रीट है ऋषिकेश में, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में। हमारे यहाँ आरोग्य धाम रिट्रीट में लोग आते हैं योगा रिट्रीट के लिए, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, और योगा एंड आयुर्वेदा रिट्रीट, वेट लॉस और डिटॉक्स प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। तो वहाँ लग्जरी स्टे के साथ साथ लोगों को मेडिटेशन, आसना, प्राणायाम कराया जाता है और पंचकर्मा होता है जिसके द्वारा वो शरीर का डिटॉक्स करते हैं और डिटॉक्स डाइट भी जाती है साथ। तो आप दर्शकों आए, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, अस्थमा हो, वेट लॉस का भी प्रोग्राम है, डिटॉक्स का भी है, और इससे ये इसका उद्देश्य है कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो और लोगों का स्ट्रेस दूर हो, लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल रहे, और बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर एज ग्रुप के लोगों का स्वागत है। और थैंक यू सो मच, आरोग्य धाम रिट्रीट जो है लोगों को होस्ट कर रहा है फॉर हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल एंड जॉयफुल लाइफ। थैंक यू सो मच, तो मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आपके पास। हम इंतजार में हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल for this session and for this to respected Sonia ji, she is a very kind and a humble and a kind and a great divine soul. Amrit ji ki jai, Sonia ji ki jai, Sonia ji.